जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बारी सावन गोर बारी हो थोड़े छरहर पतर थोड़े थोड़े मोट बारी सावन गोर बारी हो। छोरा ये हिटफुट झाड़ के कहाँ चल देली? ससुराल जा रहे हैं। ससुराल जा रहा है? अरे साला यहाँ गेहूं के कटनी के समय चल रहा है, इन सब छोड़कर ससुराल कथी करे जा रहा है रे? बर्दाश्त ना हो, दो दिन मौगी के गेला भेल लगे पीछे पीछे हो बुढ़िया बस्तर समझ का चल दिलन। ओ पापा, आप नहीं जानते हैं कि हमारे ससुराल में सार उड़ना है तो दोनों जगह हमरे ना देखना होगा। दोनों जगह देखता है कि आजकल खाली ससुराले को देखता है? तोरा सास के पास करू साला, पाल पोस के बड़ा हम किए, कमा कमा के ससुराल के भरता है, खाली ससुर के काम करता है, हमारे को काम ही नहीं करता एकदम। अहो पप्पा, कमा धमा के ससुरे के दे देंगे तो कथी हो जाएगा है? आज दिन ससुर मर जाएगा वही दिन तो सब धन हमरे न हो जाएगा, काहे कि हमरा पास सार न है। लोग ठीके कहता है, जहिया बेटा के बैंड बज गया वहिया से बेटा ससुर के हो जाता है। जोरे जो यहाँ के काम तो हम अकेले देखिए लेंगे। जो जोरू के गुलाम कहीं के, आप सास के हमारा तरफ से आई लव यू बोल दिया ही। मतलब कि प्रणाम बोलना? खाली सासे के बोलेंगे आ ससुर के? ससुर के बोलकर कौन फायदा रे, तो सास के बोलकर कौन फायदा हो? अरे बहुत फायदा है, कहीं तोहर सासे के बार हमरा दे देते। जो साला जा जा जो जो। हाँ हाँ, छेने वाला मिठाई लिए हैं। कितना लिए हैं? एक किलो लिए हैं। बस एक किलो? हाँ तो कितना लेते हैं? अरे गर्मी का दिन है, ज्यादा ले लेंगे तो कहूँ अरवा जाएगा तो। हाँ तो इतना लेट कहाँ लग रहा है, जल्दी आइएगा। हाँ तो आ ही रहे हैं, जहाज से नहीं आ रहे हैं कि जल्दी पहुंच जाएंगे उड़ के, यहाँ साइकिल से आ रहे हैं। तोर बाप से एगो दहेज में मोटरसाइकिल मांगे तो तोर बाप कहता है कि सब धन तो आप ही का है। अरे घुन लागे ऐसे धन में जेकर हमारा भोगे ना हो। एगो धन के तो भोग करिए रहे है ना। कौन धन के? हमारा। अब देखो गुस्सा के मुंह में तुम रोमांटिक बात नहीं किया करो, रखो फोन हम आ रहे हैं। की मेहमान जी, ये तनको अच्छा बात नहीं है, आप रोड पे खुलेआम रोजगार दिखा रहे हैं। ना ना, बड़ी कॉस के लागल था ना तो तनका मुतने लगे थे। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। क्या हुआ मेहमान जी, क्या हुआ? चैन में हमारा औजार फंस गया है। रुकिए देखते हैं। देखिए देखिए, ये मेहमान जी जंगिया ना पिना छी की आई हर बार दर्पण में भूल गई है। लेकिन जो कहिए मेहमान जी, आपका ना बड़ा छोटा है। टाइम पर लंबा होता है, शेर अभी सूतल है तो हल्का में नहीं लीजिए, जाग जागा तो आपको भी भागना पड़ जाएगा। की मेहमान जी, अभी वो टिप टिपवा वाला फोन यूज करते हैं के लिए है बड़का टच वाला? अरे आप हमको हल्का में ले रहे हैं, ये टिप टिपवा वाला फोन तो हम खाली बात करने के लिए रखे हैं, एगो स्क्रीनो टच लिए हैं जिसमें खाली लूडो खेलते हैं। क्या मेहमान जी, अभी वो बच्चा वाला गेम खेलते हैं और टाइम पास करते हैं? देखिए हम लूडो खेलते हैं खिलाड़ी अड्डा ऐप पर, जिसमें हम लूडो खेल के हर रोज 2 से 3 हजार रुपया बहुत आसानी से कमा लेते हैं, और यहाँ पे लाखों लोग रोज लूडो खेल के हजारों रुपया तक कमा रहे हैं। और आपको पता है कुछ लोग लूडो खेल के स्विफ्ट जैसी गाड़ी और आईफोन भी ले लिए हैं। अरे वाह, आईफोन तो हमरो चाहिए। तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं, डाउनलोड कीजिए खिलाड़ी अड्डा ऐप, और हाँ यहाँ पे आप बहुत सारा गेम भी खेल सकते हैं। अरे वाह, हम अभी डाउनलोड करते हैं। तो आप लोग भी इंतजार क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर डाउनलोड कीजिए खिलाड़ी अड्डा ऐप को, और अड्डा 20 कोड यूज करना ना भूलिएगा, जिससे आप पहला गेम बिल्कुल फ्री खेल सकते हैं। तो जाकर डाउनलोड कीजिए। ठीक है, चलाई छी। ठीक है। कैसन आदमी है, देख के नहीं आ सकते हैं? हम पानी फेंक रहे थे, आप उसी में घुस गए। आए बताइए तो कहिए कि हमने गलती है, हम ही देख के पानी नहीं फेंके है ना। मालिक कोई कल कुकुराया है, मतलब कि कोई कुटुम आया है। की भेल मेहमान जी, इस सुखले में भीज गेली हो? गोर लगती है, खुशी रहिए। ये नौकरवा हमरा पर गंदा पानी फेंक दिया है। नौकर नहीं, मालिक है। मालिक? मालिक? हाँ मालिक, नाम है हमर, नौकर वाला खाली काम करते हैं। अरे वो चेतावनी है, हमें नौकर नहीं कहिएगा ना तो दौड़ा दौड़ा के मार लेंगे। चुप मेहमान जी, अपने अंदर चलो।
साला पूरा पोछा वाला गंदा पानी देह पर फेंक दिया, महक भी रहा। गोर लगे सासू माँ खुश रहो कैसे भीज के लिए? ये मालिक हमारे देह पर पोछा वाला गंदा पानी फेंक दिया है। मजाक ई मालिक नौकरवा किया है मेहमान के साथ मजाक, गंदा पानी फेंक दिया मेहमान के देह पे। अरे गलती से फेंका दिया था मलकी ने, तो तरका ठीक से फेंकल कर। अरे मान जी और सब ठीक हो ना? हां सासु मां सब ठीक हबा। ठीक हो तो जाओ अंदर कपड़ा बदल के आओ। उनका खास को अब आहा के ना बहुत सहूलियत होत, काहे कि दमाची आगेल के ना तब खेतीबाड़ी से घर तक सब काम अपने कर लेथिन। अरे सहूलियत तेला ना 10 लाख रुपया देके बेटी के ब्याह कर लिया तो सब काम दमाद जी ना करता थी तो कौन करता? सासू माँ फूल गए ना कहाँ है, घर में दिखाई नहीं दे रही है। सहेली के साथ घूमे के लो वो। अच्छा अच्छा रे मलिक बा तनी दमाद जी के सब काम समझा दे तो। ससुर जी अब पहले तनका नाश्ता पानी कर लेते, साइकिल चला के आए हैं से भूख लग गया है। दमाद जी नाश्ता पानी होत रहता सब धन तो अपने ही के हब, जब मन तब खा ले। जाओ पहले काम धाम देख लूंगा रे मलिक बा, जो दमाद जी के काम धाम समझा दे। जो इलाय में मिठाई हो, चलो हो मेहमान। सुनिए ये घर में दूटा झाड़ू लगता है सुबह और शाम, सुबह का तो हम लगा चुके हैं, शाम का आप लगाना शुरू कीजिए। हम झाड़ू मारे? अरे ये घर के दमाद है दमाद, हम झाड़ू मारे? ससुर जी जो काम बोले हैं वो काम बताओ। तो आपका ससुर भाई ये काम बोला है बताने के लिए। ससुर जी दमाद जी बताइए, ससुर जी हम ही घर के दमाद होकर झाड़ू लगाए झाड़ू। दमाद जी सब धन तो आप ही का है ना, अब आप घर का दमाद थोड़ी ना रह गए, अब तो आप घर का नौकर है। मतलब कि बेटा हुए, अब बेटा काम काज नहीं करेगा तो कौन करेगा? अजय या हम दोनों प्राणी मर जाएंगे या सब धन तो आप ही का होगा ना। तनका ठीक से झाड़ू मारिए, देखिए वहां पर कचरा रह गया है। कैसा आदमी है ठीक से झाड़ू भी नहीं मारने आता है साला नौकर। चलिए आप दूसरा काम बताते हैं। देखिए ये आपके ससुरबा का गौशाला है, इसमें आपको सुबह शाम झाड़ू लगाना है और गोबर उठा के वहाँ फेंकना है। साला ज्यादा मुंह नहीं बनाइए, चुपचाप काम पर लग जाइए। बेबी तुम आज कहाँ गई थी? अच्छा लिपस्टिक लाने गई थी। बेबी तुम खा ली? हम खा लिए एगो पीस दो ना बेबी। और बताओ बेबी कैसी हो? तनका ठीक से झाड़ू मारिए। मारिए दो साले चुपचाप बैठा ना था। अरे वो है नौकरवा, ससुर के नौकर बन के बैठल है। रमेश भाई गली के कुत्ता और ससुराल में रहे वाला दामाद दोनों का हाल एक ही होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है। सही बात है सुरेश भाई, अपना ससुराल जाते हैं ना तो हमारा ससुराल में आरती उतारता है आरती। रमेश भाई एगो बात कहियो। कहो ना भाई। रोड पर रह जाए के चाहिए लेकिन ससुराल में घर जवाई बन के कहियो ना रहे के चाहिए। भूलियो का ना। गोबर उठवाया जाता है, पोछा झाड़ू करवाया जाता है, पूरा समाज के लोग देखता है, हमको मजाक उड़ाता है, हमको नहीं रहना है यहाँ, चलो यहाँ से जल्दी से। अरे गाँव वाला सके कामे है मजाक उड़ाना, आप इस सब पर ध्यान नहीं दीजिए। जैया हम दोनों प्राणी मर जाएंगे या सब धन संपत्ति तो आप ही का ना होगा, आ काम वाम तो आप ही को करना होगा, इससे अच्छा अभी ऐसा कीजिए। घंटा सब धन हमर है, एगो मोटरसाइकिल मांगे तो देवे नहीं किए, अब बोलते हैं सब धन तोरे है सब धन तोरे है। अरे नहीं लाना है इस घर में हम, और जय दिन आप दोनों मरिएगा ना वही दिन घर में लात रखेंगे और कोई काम करेंगे। फूल गए ना, चलो यहाँ से। ए जी अब कथी है? आप हमसे प्यार नहीं करते हैं? करते हैं तो आप हमारे लिए हमारे मम्मी पापा का सेवा नहीं कर सकते हैं? आपके लिए हम इतना करते हैं। क्या की हो हमारा लिए? दिन रात देते हैं खाना पीना, हमारा कैसे मरद मिल गए
ठीक है चुप रहो नहीं जाएंगे। ठीक है दामाद जी नहीं जाइएगा तो दो कप चाय बना के ले आइए। गोर लगता है पापा। खुश रह खुश रह। की कुट्टी काट रहा था की ना कटवा रहे थे। बेटा किसान को जोतना और बाप को चलना नहीं सिखाते। थोड़ा सास के पास करूं। प्रणाम समधी साहेब। प्रणाम प्रणाम। की बिना बोले ले आ गेली। आओ आओ अंदर आओ बैठो। और सब बताओ समधी साहेब। सब बढ़िया। समधी नहीं के ने हतन। प्रणाम समधी साहेब। आओ आओ वही के खोजत राली रा। आई लव यू मतलब कि प्रणाम। और सब समधी साहेब। सब बढ़िया हवा। समधी साहेब और सब कहे के मतलब कि नाश्ता पानी ना मंगा भाई। समधी साहेब अपना घर में कथी के नाश्ता पानी। अरे सब धन तो अपने ही के हवा ना। सोचो वे। हाँ समधी साहेब। अरे समधी साहब आप ही ना बोले हैं कि सब धन आप ही का है तो धन को छू रहे हैं। समधी साहब धन कहे के मतलब घर द्वार जड़ जमीन ई धन खाली हमर है। नौतन का ई धन में से हम हूँ लेंगे। अच्छा ठीक हवा समधी साहब सब धन हमरे है ना तो लीव कागज लिख दियो हमारे बेटा के नाम पर सब। इतना बड़ी कथी के बस समधी साहब सब धन संपत्ति तो मेहमाने जी के नहीं। हम दोनों मर जब तो सब धन संपत्ति मेहमाने जी के नई। हमारे आगे पीछे कौन हवा बताऊ अहा। ठीक हब त जै दिन अहा दुनू मरबै न ओहे दिन अब हमर बेटा अहाँ कमायत। देखू समधी साहब हमर हमर दामाद के बीच के मैटर हब अहाँ बीच में न पढ़ू। हम आ दामाद जी समझ लेब। समधी साहब अहाँ ई बात न भूलू कि अहाँ के दामाद बने से पहले वो हमर बेटा है। अहाँ ओकरा साथे की व्यवहार करै छै वो हमरा सब पता चलै छै। आ ई साल हमरा न बतेतै की हमरा न पता चलतै। आय हमर सेंसर लागल है न एकरा में। तो हमरो बेटे में हमर सेंसर लागल है हमरो सब पता चलै छै। केने से देखू समधी साहब हम सब कुछ न जानै छी। हमर बेटा के नाम पर सब जर जमीन लिखबै तब हमर बेटा हियाँ रहत न त हम अपन बेटा के लेकर जाइ छी। चल बेटा। हाँ पापा चला। हमरो तन को हियाँ मन नहीं लगता है बहुते काम करवाते हैं ई लोग। ए जी सुनिए ना। कथी है जा रहे हैं। हाँ तो कथी करे। आज हमरा पता चल गया कि आप हमरा से प्यार नहीं करते। पापा आप जाइए हम नहीं जाएंगे। कथी ला रे। पापा जैसे आप हमरा लेल हैं वैसे ई दोनों भी ना हमरा लेल हैं। अरे हम तोरा पैदा किए हैं तू हमर मटेरियल है। जब से इनका मटेरियल का लिए हैं तब से इनका भी हो गए हैं पापा। साला लोग सही कहता है जय दिन बेटा के बैंड बज गया वही दिन से बेटा ससुर के हो जाता है। रे साला आज दिन से तू हमारे घर टपना नहीं। हाँ जाइए ना टपेंगे। अरे बाप रे अरे मर जाबे रे मार से जो बेटा बचा ले रे हार्ट अटैक भैया रे मर जाबे हम आप मर जाबे आप मर जाबे। हो गया नाटक आप जाइए घरे। समधी साहब अहाँ हमारे बेटा के सिखा पढ़ा के फुसला लिया है ना आपको हम देख लेंगे। अब आपके दुआ में हम लाख तक नहीं देंगे। आपको बुलाने कौन जाता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर तो ये तो जानते ही हैं दोस्तों दोस्तों में शेयर वेयर करना है। और हाँ लगातार मेरा सॉन्ग आ रहा है बीसी म्यूजिक पे अपने चैनल है बीसी म्यूजिक या इधर उधर पोस्टर दिख रहा होगा सॉन्ग का क्लिक करके जाइए देखिए और चैनल का सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ खिलाड़ी अड्डा को डाउनलोड कीजिए और मेरा प्रोमो कोड यूज कीजिएगा तो आप फर्स्ट गेम बिल्कुल फ्री खेल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जाकर अभी डाउनलोड कीजिए।